हाय गाइस, तो आप लोग की इंतजार अब खत्म हो गई क्योंकि 12th कंपार्टमेंट रिजल्ट अब जारी हो गई है। अगर आपको नहीं अभी तक आ रही देखने तो आप इस वीडियो को पूरा देखें, समझ में आपको आ जाएगी। और दोस्तों, मैं इस वीडियो को आगे बताने वाला हूँ कि आपकी एडमिशन कैसे होगी और कैसे कैसे आप क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद छोटे से आ रहे हैं बेल आइकन पर फ्रेंड्स क्लिक कर लीजिए ताकि भविष्य में आने वाले आपको प्रत्येक नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहे। दोस्तों, आपको मैं इस वीडियो के आगे बताने वाला हूं कि आपके एडमिशन को लेकर क्या लिए हैं फैसला सरकार ने, वो दोनों बार आपको बताने वाला हूं और कितने फीसदी रिजल्ट आपको इस बार आए हैं। सबसे पहले दोस्तों, मैं बात कर लेता हूं कि हाउ टू चेक बिहार बोर्ड कंपार्टमेंट रिजल्ट, ठीक है। तो उसके दोस्तों आपको दो तरीका है। पहला तरीका कि आपको एक नीचे लिंक मिल जाएगी, आप वहां से जाकर डायरेक्ट आप ये पेज खोल सकते हैं और ये पेज में खोल कर आप नीचे जाना है और आपको यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर एक मिनट फ्रेंड्स, यहाँ आपको दिख रहा है कि इंटरमीडिएट कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन आर्ट स्ट्रीम रिजल्ट, या फिर आप कॉमर्स स्ट्रीम, या फिर आपको साइंस स्ट्रीम, या फिर आपको वोकेशनल स्ट्रीम, जो भी स्ट्रीम हो आपको वहाँ पर क्लिक कर लेनी है फ्रेंड्स। क्लिक करते ही आपके पास एक पेज खुलेगी, उस पेज में आपको अपना रोल नंबर, रोल कोड, रोल नंबर, आपको यहाँ पर एक कैप्चा है, उस कैप्चा को आपको इंटर करना पड़ेगा। ये EGPB5 इसमें जैसा बोले आपको वैसा इंटर करना पड़ेगा और इंटर करके यहाँ से आपको गेट रिजल्ट पर क्लिक करनी पड़ेगी। दोस्तों, इस सेकेंड वे है, आपको अगर आप नहीं चाहते हैं मेल वाला लिंक खोले तो आपको यहाँ पर डालनी पड़ेगी, यहाँ पर सर्च में sarkaririzult.com, ठीक है, www.sarkaririzults.com डाल दीजिए। नीचे जानी है आपको, नीचे जाकर आपको लिंक पर क्लिक करनी है। आप जैसे तो यहाँ पर लिंक खुला हुआ है यहाँ पर, तो नीचे जानी है दोस्तों, आपको लिंक पर क्लिक करनी है, बिहार बोर्ड क्लास 12th कंपार्टमेंट रिजल्ट, आपको इस पर क्लिक कर लेनी है। क्लिक करते ही आपके पास एक और वेबसाइट खुल जाएगी, नीचे आपको जानी है और यहाँ से आपको यहाँ पर, और दोस्तों यहाँ से आपको टाउन क्लास 12th कंपार्टमेंट रिजल्ट पर क्लिक कर लेनी है। क्लिक हेयर पर क्लिक करते ही फ्रेंड्स, वो फिर से जो वेबसाइट मैंने खोला था वो वेबसाइट आपको सब खुलकर आ जाएगी। अब दोस्तों, मैं बात करने वाला हूँ कि 12th कंपार्टमेंट रिजल्ट में कितने फीसदी रिजल्ट आए और कितने विद्यार्थियों ने कितने कितने नंबर लाए। तो चलता हूं, मैं अपने गैलरी में आपको वहां पर शो करवा देता हूं, रिजल्ट जो है शो करवा देता हूं। फ्रेंड्स, तीनों संकाय के वाणिज्य का रिजल्ट सबसे रहा बेहतर। कहने का अर्थ यह है कि कॉमर्स विभाग का रिजल्ट तो बहुत अच्छी रही है। आगे मैं पढ़ लेता हूं। दोस्तों, लिखा हुआ है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इंटरमीडिएट के कंपार्टमेंट परीक्षा में 2018 राज्य के 205 केंद्रों में सफल विद्यार्थी लिए थे। उसमें से इंटरमीडिएट कंपार्टमेंट परीक्षा में कुल 3,55,003 विद्यार्थी ने ही परीक्षा फॉर्म भरा था, जिसमें से 1,52,504 विद्यार्थी परीक्षा में शामिल हुए। इसमें से 59,143 छात्र ही सफल हो सके फ्रेंड्स। और बोर्ड अध्यक्ष ने रविवार को रिजल्ट जारी कर दिया। उन्होंने बताया है कि परीक्षा फल के समिति की वेबसाइट पर डाल दिया गया है। और दोस्तों, मैं बता दूं कि जिन लोगों का सेट जो है, जिन लोगों को इस बार जो विफल हो गए हैं, उन्हें कुछ कारण की वजह से विफल हो गए हैं। कुछ ऐसे बंदे हैं जो कि अपने OMR सीट पर अपना नाम पता नहीं भरे हैं। कुछ ऐसे बंदे हैं जो गलती से कुछ और लिखना, कहीं कहीं कुछ कुछ और रोल नंबर देकर अपना काम बिगाड़ लिए हैं। दोस्तों, मैं बता दूं तो उनका जो रिजल्ट है सो आप 10 सितंबर को घोषित किया जाएगा। 10 सितंबर तक, बहुत ही जल्द, 2 से लेकर 10 सितंबर तक उनकी वेबसाइट पर रिजल्ट आ जाएगी। हाँ, और उनकी कॉपी और फ्रेंड्स जो कॉपी वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी बहुत ही जल्द, ठीक है। तो दोस्तों, आप आपका जो आगे दोस्तों, वही 711 परीक्षार्थियों ने आंसर शीट के फ्लाइंग स्लिप भाग और ऑब्जेक्टिव प्रश्न के OMR सीट पर रोल कोड, रोल नंबर नहीं लिखा है, इसलिए उनका रिजल्ट रोक दिया गया है और इनकी सेकेंड कॉपी भी अपलोड कर दी गई है। अब बात करने वाला हूँ अगला नेक्स्ट टॉपिक में। दोस्तों, मैं बता दूं कि सबसे अच्छी रिजल्ट आई है आपको वाणिज्य संकाय की, जिसमें से 1,091 छात्रों में से वनली 500 छात्र साफ हुए सफल, जो कि सबसे अधिक रेशियो है, यानी कि इस संकाय में 46.19% विद्यार्थी सफल हुए हैं। और दोस्तों, वहीं कला संकाय में 36,873 स्टूडेंट में से 16,221 छात्र ही सफल हुए हैं। और वहीं दोस्तों, आपको सबसे कम हुई है विज्ञान में, इसमें 1,14,489 छात्रों में से महज 42,385 छात्र ही सफल हो सके हैं, यानी इसकी सफलता के प्रतिशत सबसे कम है 37.02। अब दोस्तों, मैं बात करने वाला हूँ उत्तीर्ण विद्यार्थियों की तीसरी सूची के मौका, जो विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं उनके बारे में क्या है, सुन लीजिए। इंटरमीडिएट कंपार्टमेंट परीक्षा 2018 के उत्तीर्ण विद्यार्थियों को OFSS के माध्यम से राज्य के 10 विश्वविद्यालयों में नामांकन लेने की सुविधा समिति द्वारा तृतीय चरण सूची में उपलब्ध कराई जा रही है, ठीक है। बोर्ड अध्यक्ष ने बताया है कि कंपार्टमेंट परीक्षा में उत्तीर्ण छात्र स्नातक नामांकन के लिए योग्य है। ऐसे विद्यार्थियों के लिए OFSS की पोर्टल पर ऑफलाइन फॉर्म भरने के लिए 28 से लेकर 30 अगस्त के बीच मौका मिलेगा। इसके आधार पर समिति 4 सितंबर को जारी की जाने वाली तृतीय सचेतन सूची में ऐसे विद्यार्थियों को प्रवेश का मौका मिलेगा। इसी तरह कंपार्टमेंट परीक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों को भी OFSS के माध्यम से 3,262 विद्यार्थी इंटरमीडिएट स्तर के शिक्षण संस्थानों में नामांकन के लिए जारी तृतीय मेरिट लिस्ट में अवसर मिलेगा। तो आपको अगर कुछ और जानना है तो कमेंट कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए ताकि हमको मिल सके
ताकि हमको दोस्तों मिल सके नए नए वीडियो बनाने के आइडिया। और इस वीडियो को लाइक कीजिए और कुछ पढ़ने हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट पसंद कर सकते हैं। फिर मिलूंगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको एक मिलती रहेगी। बाय।